गरीब बच्चे का दशहरा। कृष्णा नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ हरिपुर नामक गांव में रहता था। कृष्णा के माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी दादी ही अब उसका ध्यान रखती थी। कृष्णा भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। कृष्णा की दादी सुमित्रा बड़ी मुश्किलों का सामना करके घर पर दो वक्त का खाना बना पाती थी। कृष्णा भी घर के कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन सुमित्रा कपड़े धो रही थी, तभी कृष्णा वहाँ आता है। दादी, मैं भी आपके साथ कपड़े धुलवाता हूँ। अरे नहीं कृष्णा बेटे, ये काम तेरे करने का नहीं है, तुम जाकर खेलो, मैं खुद धो लूंगी। नहीं दादी माँ, मैं हूँ ना, तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। ये देखो, ऐसे धोते हैं कपड़े, है ना दादी? हाँ हाँ ठीक है। इस तरह कृष्णा हमेशा छोटे छोटे कामों में अपनी दादी माँ की मदद किया करता था। एक दिन शाम के समय दादी खाना बना रही थी, तभी चूल्हे से रोटी उठाते समय आग की लपटें सुमित्रा के हाथों तक आ रही थी, और ये सब कृष्णा देख रहा था। दादी, ये आग आपके हाथों को जला रही है, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? बेटा, वो हमारी रोटी उठाने वाली चिमटी बहुत समय पहले टूट गई थी, तब से नई ला नहीं पाई, और अभी तो इसकी आदत हो गई है, और अब तो ये हाथ भी पक्के हो गए हैं। कृष्णा को दादी के हाथ आग से झुलसाए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन, दादी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। हाँ चला जा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना, मैं अभी काम पर जा रही हूँ। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, तभी उसके दोस्त कृष्णा को बोलते हैं, कल दशहरा है और साथ वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ बहुत सारी दुकानें लगेगी। हाँ हाँ वहाँ बहुत स्वादिष्ट जलेबी की भी दुकानें लगती है, हम सब चलते हैं कल वहाँ। मैंने तो अपने बाबा को बोल दिया है कि मुझे मेले से खिलौने और जलेबी लेनी है। मैंने तो पिताजी को बोल भी दिया है कि कल मेले को देखने के लिए मुझे 100 रुपए देना। कृष्णा तुम भी चलोगे ना हमारे साथ मेला देखने, और अपनी दादी से पैसे भी ले लेना जलेबी और खिलौने लेने के लिए। उनकी बातें सुनकर कृष्णा का भी मन बहुत होता है कि वो मेला देखने जाए। शाम होते ही कृष्णा घर चला जाता है और अपनी दादी के पास बैठता है। दादी आपको पता है कल दशहरा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दादी ये दशहरा क्या होता है, इसे क्यों मनाते हैं और मेला क्यों लगते हैं तब? बेटा, रावण के नाम के एक राक्षस ने भगवान राम की पत्नी सीता माता को कैद कर लिया था, और फिर श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दादी कल मेरे सारे दोस्त दशहरे का मेला देखने जाएंगे और वहाँ बहुत सारी दुकानें भी लगेंगी, खिलौनों की और जलेबी की भी। दादी मुझे भी मेला देखने जाना है, आप मुझे पैसे दोगी ना मेले में जाने के लिए? बेटा मैं तुम्हें यहाँ से ही जलेबी ला दूंगी। नहीं दादी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ जाना है और मुझे वहाँ से खिलौने भी लाने हैं। ठीक है, तुम भी चले जाना। कृष्णा बहुत खुश हो जाता है कि कल उसे मेले में जाने के लिए पैसे मिलेंगे, और वो उन पैसों से जलेबी और खिलौने लेगा। अगले दिन कृष्णा सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश था। दादी देखना, आज मैं मेले से सबसे सुंदर खिलौना लाऊंगा और जलेबी भी खाऊंगा। और कुछ देर के बाद कृष्णा के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ कृष्णा, जल्दी चल, नहीं तो मेले में जाने में देर हो जाएगी। हाँ अभी आता हूँ। दादी जल्दी से मुझे पैसे दे दो मेले में जाने के लिए, मेरे दोस्त आ गए हैं। दादी अपना बटुआ लाती है और उसमें से 50 रुपए निकालती है। ये लो बेटा, अपने लिए खिलौने और जलेबी ले लेना। दादी ये तो बहुत कम है, मेरे दोस्तों ने तो पूरे 100-100 रुपए लिए हैं। आप भी मुझे 100 रुपए दो ना, तभी तो मैं अच्छे से खिलौने लाऊंगा। बेटा हमारे पास इतने ही रुपए हैं, इसमें तुम्हारे लिए खिलौना और जलेबी भी आ जाएगी।
कृष्णा फिर वो 50 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते सब बच्चे बातें कर रहे थे कि वो क्या क्या खरीदेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, मैं तो वहाँ से पेड़ा लेकर खाऊंगा, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो जलेबी लाऊंगा और सबसे बड़ा और सुंदर खिलौना लूंगा। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास तो सबसे कम पैसे थे और उसको उसी से अपने लिए खिलौने और जलेबी लेनी थी। कुछ ही देर में वो मेले में पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों ओर दुकानें लगी हुई थी और सब जगह तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी, और मेले के बीचों बीच एक बड़ा सा रावण का पुतला लगाया गया था। सब बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे, और फिर वो सब दुकानें देखने लगते हैं। तभी चलते चलते कृष्णा एक बर्तन की दुकान के पास से निकल रहा था, और उसकी नजर वहाँ पड़ी एक चिमटी पर पड़ती है। उसे देखते ही कृष्णा को अपनी दादी के रोटी बनाते समय हाथ झुलसते हुए याद आ जाते हैं। फिर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ आगे जाता है। उसके दोस्त वहाँ से खिलौने लेते हैं, लेकिन कृष्णा ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था। सभी अपने खिलौने देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी कृष्णा भागकर पीछे मुड़कर उसी बर्तन की दुकान पर जाता है और उस अंकल से पूछता है, अंकल जी ये चिमटी कितने की है? बेटा ये 30 रुपए की है। अंकल मुझे ये चिमटी दे दीजिए। और कृष्णा वो चिमटी लेकर आगे चल देता है। अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। वो एक जलेबी की दुकान पर जाता है और 20 रुपए की जलेबी ले लेता है। अब दादी के हाथ नहीं जलेंगे, वो इस चिमटी से रोटी को सेक सकेंगी। दादी से देखकर बहुत खुश होंगी और साथ में हम जलेबी भी खाएंगे। कृष्णा सारा सामान लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था, और तभी रावण को जला दिया जाता है। फिर वो सब घर आने लगते हैं। सब दोस्त एक दूसरे के खिलौने देख रहे थे। तभी सब कृष्णा की चिमटी देखकर हंसने लगते हैं। अरे सब देखो कृष्णा क्या लेकर आया है। चिमटी, ये कोई खिलौना है क्या? हाँ मेरा खिलौना तुम सबके खिलौने से बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे ऊपर से नीचे फेंकूंगा तब भी ये नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरा ये खिलौना सबसे पक्का है। सब अपने अपने घर आ जाते हैं। शाम हो गई थी। कृष्णा की दादी भी कृष्णा का इंतजार कर रही थी। तभी कृष्णा अपनी दादी के पास जाता है। अरे कृष्णा कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। दादी अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या मेरे लिए लाया है? क्या लाया है? तभी कृष्णा अपनी दादी के हाथ में चिमटी रखता है। दादी अब आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। ये देखकर कृष्णा की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कृष्णा को गले से लगा लेती है। तू तो खिलौने लेने के लिए मेरे से पैसे लेकर गया था, फिर खिलौने क्यों नहीं लिए? दादी मैं आपके हाथों को हर रोज जलते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए जब मैंने ये चिमटी देखी तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटी लेकर आ गया। उसकी बातें सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। दादी मैं आपके लिए जलेबी भी लाया हूँ, चलो खाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर जलेबी खाते हैं। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गरीब माँ की 9 बेटियाँ। सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी। वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे आप चिंता क्यों करते हो, देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना।
लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे ना दिए तो वो हमारे खेत ही ना हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे। अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमका कर वहां से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ तीन लड़कियाँ कुएं में डूब रही थी। बचाओ, 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे ये रसोई में क्या पक रहा है? वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी। अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है, आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं
और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं। सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था, लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी, इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या? सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है, अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए, कीजिए। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुस्टंडो, क्या देख रहे हो, मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, हमें मत मारो, बचाओ, बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियाँ आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियाँ माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियाँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।